नमस्कार, स्वागत है आपका फुल एंड फाइनल में। सबसे पहले अपने सभी दर्शकों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, लेकिन खून का रंग दिखाई दे रहा है यूक्रेन में, इसीलिए ये शो आज बहुत जरूरी है। हम आपको बताना चाहेंगे कि आज जिस तरीके से घटनाक्रम हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि अब फैसला कर लिया है ज़ेलेंस्की की सप्लाई लाइंस को काउंटर करने का पुतिन ने, क्योंकि पुतिन ने तीसरी बार करीब एक हफ्ते के अंदर, या ये समझा जाए पांच दिन के अंदर, तीसरी बार वेस्टर्न यूक्रेन पर हमला किया, जहां पर कई सारे राजनयिक रहते हैं। हम बात कर रहे हैं यूक्रेन के लवीव में 6 क्रूज मिसाइल से रूस के हमले की। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सीधे प्ले ऑन करें। रूस के लवीव में, रूस ने लवीव में 6 क्रूज मिसाइल से रूस का हमला हुआ है। आपको बताने जा रहा हूं, यह बड़ी खबर है। बड़ी खबर इसलिए हो जाती है कि 2 क्रूज मिसाइल को एंटी एयरक्राफ्ट गन से नष्ट किया गया, 6 क्रूज मिसाइल दागी गई वहां पर यूक्रेन के लवीव में। और यहां पर जो पूरी खबर है वो इस तरीके से है कि 2 क्रूज मिसाइल को एंटी एयरक्राफ्ट गन से नष्ट किया गया, लेकिन ध्यान दीजिए यहां पर जो जानकारी है, रूस के निशाने पर था लवीव का एयरक्राफ्ट रिपेयर प्लांट। नंबर 1, एयरक्राफ्ट रिपेयर प्लांट की बिल्डिंग को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। ये वो जगह है जहां पर रिपेयर प्लांट में यूक्रेन के MiG-29 का होता है रखरखाव। शॉट्स दिखाएं इसके बगल में राहुल, ये बड़ी खबर है। हमारे सहयोगी ये देखें आप किस तरीके से लवीव के ऊपर ये हमला किया गया, 2 क्रूज मिसाइल को एंटी एयरक्राफ्ट गन से नष्ट कर दिया गया। लेकिन लवीव के पास जो इलाका है, लवीव के पास गौर करने वाली बात है, ये जो एयरपोर्ट है वहां पर टारगेट किया गया था, क्योंकि ये वो इलाका है, फुल फ्रेम पे एक बार शॉट दिखाएं, ये वो इलाका है जहां पर रशिया के जो मिग्स हैं उनका रखरखाव होता है, रिपेयर होता है, अपग्रेड होते हैं। हालांकि यूक्रेन की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है ये चिंताजनक है। इस वक्त मैं जाऊंगा इसके बगल में, राहुल एक बार ब्रेकिंग दिखाएं, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अब मैं आपको एक और बड़ी खबर दिखाने से पहले अपने सभी मेहमानों का यहां पर स्वागत करना चाहूंगा। आज के दिन भी अगर हमारे मेहमान हमारे लिए समय निकाल रहे हैं तो वी आर वेरी वेरी ऑनर्ड एंड ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ हैं सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ जनरल ध्रुव कटोच, थैंक यू वेरी मच। प्रोफेसर राजन सर, थैंक यू वेरी मच। अम्बेसडर अनिल त्रिगुनायत सर, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आज के दिन आपने हमारे लिए समय निकाला। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बताने जा रहा हूं, पोलैंड से, याद रखिए पोलैंड से 80 किलोमीटर दूर लवीव पर रूस की बमबारी। पोलैंड से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है, 70-80 किलोमीटर्स लवीव में अब तक की सबसे भीषण बमबारी हुई है। लवीव में ही दुनिया भर के राजनयिक रुके हुए हैं। लवीव पर हमले का मतलब यूक्रेन की सप्लाई लाइन को तोड़ना है। मैं चाहूंगा इसके बगल में आप शॉट दिखाएं, एक बार फिर से मैं आपको यह खबर दिखा रहा हूं, शॉट देखें आप, पोलैंड से 80 किलोमीटर दूर लवीव पर रूस की बमबारी। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, लवीव में अब तक की सबसे भीषण बमबारी हुई है ये, और यहां पर लवीव में ही दुनिया भर के राजनयिक रुके हुए हैं। ये जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, एक और जानकारी, लवीव पर हमले का मतलब है यूक्रेन की सप्लाई लाइंस को तोड़ना। मैं जाऊंगा राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों विजुअल्स दिखाएं स्क्रीन पर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन पहले, उससे पहले एक बार फुल फ्रेम पे ये वाला शॉट दिखाएं, किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है। लवीव इज जस्ट 80 किलोमीटर्स फ्रॉम पोलैंड। मैं सीधे दोनों ब्रेकिंग, दोनों विजुअल दिखा रहा हूं। लवीव को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि लवीव यानी वेस्टर्न यूक्रेन, वेस्टर्न यूक्रेन यानी जहां पर सारे राजनयिक हैं, वेस्टर्न यूक्रेन का मतलब बहुत खतरनाक हो सकता है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ सबसे पहले हमारे खास मेहमान जनरल शंकर प्रसाद जुड़े हुए सर। लवीव के ऊपर अटैक वेस्टर्न यूक्रेन का पार्ट, और पिछले एक हफ्ते या मैं कहूं 10 दिन के अंदर ये थर्ड असॉल्ट है वेस्टर्न यूक्रेन पर, और लवीव में अभी तक ऐसी कोई बम्बार्डमेंट नहीं हुआ था, आप इसको कैसे असेस कर रहे हैं? बिल्कुल क्लियर है। पहली बात तो आप सबको होली की मुबारक, आपने बहुत कष्ट किया आज हम लोगों को बुलाने का और खुद भी आए और इतना गंभीर प्रोग्राम कर रहे हैं। बहरहाल, दिस इज येट अनदर इंक्रीमेंटल फेज इन मिलिट्री ऑपरेशंस, जिसके माने ये हैं कि एक वो अभी और नया फेज शुरू हो रहा है जो कि काफ़ी आगे तक बढ़ भी चुका है मेरी समझ में, कि नाउ आइसोलेट दी ऑल सप्लाई रूट्स।
अभी तक आपने देखा कि विदेश से प्रधानमंत्री लोग यहाँ पर ट्रैवल करके आ सक रहे थे, लेकिन उसको भी बंद करना इन्होंने अब ज़रूरी समझा है। जितनी सप्लाई लाइन है उनको भी बंद करना ज़रूरी समझा है। तो ये आप जिस तरह कह रहे हैं तीसरा मौका है, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि दिस इज़ अ फेज वे दे वॉन्ट टू कम्प्लीटली आइसोलेट, कम्प्लीटली ब्लॉक ऑल दी सप्लाई रूट्स इन टू यूक्रेन, जिससे कि अब वो उन पर और दबाव पड़े कि वो किसी तरीके से सरेंडर करें। देखना ये है कि जिस तरीके से देखिए एंड में वही बात आ रही है कि दे वॉन्ट मिनिमम डैमेज, वो डैमेज नहीं चाह रहे इतना ज़्यादा हो। अगर नहीं तो डैमेज ही करना होता तो अभी तक कीव को बिल्कुल मट्टी कर दिया होता उन्होंने, देख क्रिएटेड इन टू डस्ट। बट वो नहीं करना चाह रहे हैं, वो यही चाह रहे हैं कि जिस तरीके से हम प्रेशर डाल सकें, जहाँ से प्रेशर डाल सकें, सप्लाई लाइन से प्रेशर डाल सकें, और कोई इकोनॉमिक प्रेशर डाल सकें, और कोई इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर प्रेशर डाल सकें, जैसे फॉरेन एम्बेसी वहाँ पर है उनको कुछ प्रेशर पड़ेगा, वो वेकेट करने की शायद वहाँ से भागेंगे। तो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑफ द रशियन आर्मी बिल्ट इन टू टैक्टिकल मनूवरिंग। तो ये सब हो रहा है अभी, इसको देखिए कहाँ तक चलता है। लेकिन बड़े दुख की बात यही है कि अभी तक इतने दिन हो गए, 22-23 दिन होने वाले हैं, आज भी वहाँ घमासान युद्ध चल रहा है, वहाँ पे सब तरफ से डिस्ट्रक्शन हो रहा है, सब तरफ से लोग सर मर। लेकिन आप जो बता रहे हैं यू आर एब्सोल्युटली राइट शंकर सर, लेकिन मैं एक चीज यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, और ये मेरा सवाल अनिल त्रिगुनायत सर से, हमारे जितने भी दर्शक हैं इन दोनों ब्रेकिंग और दोनों विजुअल को देखें, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, राहुल सिर्फ मुझे दिखाएं इन दोनों ब्रेकिंग दोनों विजुअल के साथ, बहुत बड़ी बात आप नोट करें हमारे जितने भी दर्शक हैं कि किस तरीके से यूक्रेन बार बार रुद्ध युद्ध को रोकने के करीब पहुंचता है और उसके बाद एक ऐसी खबर आती है जिससे लगता है कि यह युद्ध अभी आगे और बढ़ेगा। मिसाल के तौर पर आज से करीब 7-8 दिन पहले खबर आई, क्या खबर आई कि डोनबास और क्रीमिया के इलाके को जो भी उसका स्टेटस है उसकी न्यूट्रलिटी वो मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, उसका जो भी है वो मानने के लिए तैयार हो जाएंगे ज़ेलेंस्की, ऐसी खबर आई। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि ज़ेलेंस्की कई जगह भाषण देते हैं अपना और फिर ज़ेलेंस्की पलट गए, फिर उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, यानी उसके ऊपर उनका कोई स्टेटमेंट नहीं था, सब शांति हो गई। फिर हमने क्या खबर देखी, हमने एक बहुत बड़ी खबर देखी, खबर यह देखी न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से कि दोनों के बीच में संधि होने जा रही है और संधि होने का मतलब है कि अब कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा और यूक्रेन सारी बातें मानने के लिए तैयार है। फिर हमने क्या देखा, वो यूएस कांग्रेस को संबोधित करते हैं और फिर वो पलट जाते हैं कि नहीं हम कुछ भी मानने को तैयार नहीं है, सब तैयार हो रहे थे फिर वो पलट जाते हैं। नेटो से उन्होंने उससे पहले ये भी कह दिया था कि मैं नेटो में शामिल नहीं हूंगा, नेटो के दरवाजे बंद है, और यह लग रहा था कि उनकी न्यूट्रैलिटी के लिए एक अच्छा स्टैंड है, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कह दिया था। अब बड़ा सवाल यह है, रशिया जो है वो बार बार इनके ऊपर हमला कर रहा है, बार बार हमला कर रहा है और ऐसे इलाकों में हमला कर रहा है जहां पर कल्पना भी नहीं कर सकते। उसने वेस्टर्न यूक्रेन में हमला किया एकदम पोलैंड से सटे बॉर्डर्स के पास, 13 किलोमीटर 14 किलोमीटर अगर आपको याद होगा वहां पर उनकी सप्लाई लाइंस थी, और अब जब उसने ज़ेलेंस्की ने कांग्रेस को एड्रेस किया है तो उन्होंने लवीव पर हमला किया है, वहां पर कई सारे राजनयिक हैं। अनिल त्रिगुनायत सर, मेरा सवाल आपसे बहुत डायरेक्ट है, रशिया जो है वो इस मामले में अपने आप को स्ट्रेच वहां तक करता रहेगा जहां तक वेस्टर्न वर्ल्ड कल्पना भी नहीं कर सकती, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड का क्लियर कट इंटरेस्ट है, वो नहीं चाहते कि यूक्रेन वॉर खत्म करे? बिल्कुल आपने सही कहा है निशांत जी, सबसे पहले तो सबको बहुत होली मुबारक हो, काश हम ये अपने यूक्रेन और रूस के लोगों को भी होली मुबारक कह पाते। लेकिन बात सबसे बड़ी यही है कि ये लड़ाई, मैंने जैसे शुरू से ही कहा है कि ये लड़ाई रूस और यूक्रेन के बीच की नहीं है, तो इसलिए ज़ेलेंस्की जो है वो एक तरह से सेक्रीफिशियल गोट कहते हैं ना, वो हैं, तो उसको जब कभी कुछ कोशिश करते हैं, बिकॉज जैसे उसको लगता है कि भाई मेरे देश का पूरा हालत ख़राब हो रही है तो चलो मैं इस बात को एग्री कर जाता हूँ, उसी वक्त अमेरिका जो उनको पूरी तरह सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है वो कुछ ना कुछ स्पैनर डाल देते हैं। इसको आपको दूसरी उसमें भी देखना पड़ेगा, वो ये है कि जैसे यूनाइटेड नेशंस में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया ने अपना बायोलैब्स के बारे में बात करी है और उसको भारत ने, चीन ने, रूस ने और मैक्सिको ने कहा कि इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, वो जो 15-16 लैब्स थी और बायोलैब्स के बारे में, और अमेरिकन्स नहीं चाहते हैं कि ये हो या नेटो कंट्रीज नहीं चाहते हैं कि बायोलैब्स का हो, तो हर समय कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन की बात होती रहेगी। दूसरी चीज़ यह है कि जब लवीव की जो बात आपने कही तो ये बड़ा सिंपल सा उनका सिस्टम है, पुतिन ने शुरुआत में ही कहा था कि दो चीज़ों पर उनका मेन मुद्दा है,
अब ये नेटो वगैरह ज्वाइन करने की बात छोड़ दें, तो उसके लिए उनकी जो तरकीब थी कि डीमिलिटराइज करना है यूक्रेन को ताकि ये लड़ाई के काबिल ना रहे। तो इसीलिए जो लवीव में जहाँ पे उससे पहले आपने बताया अभी जिसका पहला जो हमला हुआ था कुछ दिन पहले, उसमें उनका पूरा वहाँ का एयर वो, तो इनको मालूम है सारी कहाँ पर ठिकाने हैं, 3000 जगह उन्होंने ऑलरेडी अटैक किया है। तो ये सिलेक्टिव अटैक्स हैं और ये चलते रहेंगे मिसाइल्स के द्वारा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।